वरना दुनिया की अगर रغبت हम दिलों में रख लेंगे जैसे आज हमारा हो चुका है, अल्लाह पर रहम करें, तो मामला बड़ा मुश्किल है हमारे लिए याद रखें, बहुत मुश्किल है। हो सकता है ये दुनिया की रغبت, दुनिया तो अच्छी गुजार दे हमारी या हो जाए गुजर जाए, लेकिन आखिरत कहीं ना कहीं जबरदस्त अंदाज से हमारी मार खा रही है, जबरदस्त अंदाज से मार खा रही है, जिसको हम अंदाज नहीं लगा सकते इतना हो रहा है। और बस हमारा सारा मामला सिर्फ दुनिया 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 और दुनिया के लिए नजर आ रहा है, कोई भी चीज देखिए दुनिया के लिए, आखिरत के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा कि भाई ये किस लिए, ये प्लॉट बच्ची के लिए, ये बच्चे के लिए, फलां के लिए, उसके लिए, उसके लिए, आखिरत के लिए कौन सा प्लॉट, कौन सी एक्टिविटी आखिरत के लिए। 60 ईयर्स होंगी, रिटायरमेंट होगा तो फिर आखिरत का प्लॉट भी तैयार कर ही लेंगे ना, मसला क्या है। हम तो लिखा के आए हुए कि 60 साल तो कम से कम जीना ही हमने, और उसके बाद की जिंदगी जो एक्स्ट्रा मिलेंगी वो अल्लाह के लिए हम कुर्बान करेंगे। तो मैं आम जबान में कहता हूँ, अल्लाह को वो चीज नहीं चाहिए जो चीज खुद आप भी पसंद नहीं करते, समझ रहे हैं बात। दुनिया ने बोल दिया यार बेजार होगा, ये आदमी थक गया, ये काम का नहीं, इसको छोड़ दो, तो आप बोल रहे अल्लाह के लिए मैं वो टाइम दूंगा, तो टाइम चाहिए इस्लाम को। बहर यार सहाबा दुनिया से बेरगबत थे। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जजाकल्लाह।